नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस न्यूज। खबर रोहतास जिले के विक्रमगंज से है, जहां दोपहर करीब 2 बजे SDM अनिल बसाक व SDPO कुमार संजय के द्वारा संयुक्त रूप से तेंदुनी चौक पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अभियान चलाया गया, जहां बाइक व बड़े वाहन चलाने वाले चालकों के साथ साथ आने जाने वाले लोगों को भी सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया गया। इस कड़ी में तेंदुनी चौक पर एक ट्रक के नीचे एक बाइक सवार भी आ गया, जो बाल बाल दुर्घटना होने का शिकार होने से बच गया। प्रशासन व स्थानीय लोगों के द्वारा बाइक कड़ी मशक्कत के बाद निकाली गई। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले बाइक व बड़े वाहनों के चालान से जुर्माना लगाते हुए ऑनलाइन चालान काटा गया। तो दूसरी तरफ यातायात नियमों का पालन करने वाले चालकों को SDM अनिल बसाक व SDPO कुमार संजय के द्वारा गुलाब का फूल देते हुए सम्मानित भी किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर चलाया जा रहा अभियान पर क्या बोले विक्रमगंज SDM अनिल बसाक, आइए सुनते हैं। नियमों का जो उल्लंघन हो रहा है उसके खिलाफ जो है एक्शन के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना, जैसे बिना हेलमेट के चलाना, ट्रिपल लोडिंग, इस तरह से ओवर स्पीडिंग, इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने चालान किया। और जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे थे उन लोग को हमने गुलाब देकर अभिनंदन भी किया है, ठीक है। और ये मुहिम और भी हम आगे चलाएंगे अगर हमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, जिससे सुरक्षित रूप से लोग यात्रा कर सकें। सर, ये किस किस नियमों के लिए लागू था, किस किस वाहनों के लिए लागू था? नहीं, सबके लिए ही था, 2-व्हीलर 3-व्हीलर, ठीक है। अभी हम लोगों ने आज एक मुहिम चला, आगे चल के और भी हम लोग चलाएंगे, ठीक है, सब पे ही कार्रवाई होगी, ठीक है। और जो लोग नियमों का पालन करें उसको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे फुल, ठीक है।